बाबा का प्रसाद है, बाबा का जो प्रतीक चिन्ह है उनका चित्र है, या काशी धाम का जो चित्र बना हुआ है, इसमें से निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीजें हम लोग ले जाएंगे। त्रिशूल और वो भी बाबा का डमरू भी एक चिन्ह होता है, ये भी हो सकता है, त्रिशूल भी हो सकता है, डमरू भी हो सकता है, भस्म हो सकता है। फिर यहाँ की जो भोग प्रसाद सामग्री है वो भी हम दे सकते हैं। रामला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से अनोखे भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाला राम भक्त कार्तिक भी 22 जनवरी को रामलीला प्राण प्रतिष्ठा पहुंच रहा है। अपने घर से अयोध्या तक 1008 किलोमीटर का सफर दौड़ते दौड़ते हुए तय करेगा। कार्तिक 14 दिन से लगातार दौड़ते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। इसमें कार्तिक के पिता और भाई भी उसका साथ दे रहे हैं। हम 534 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं और लगभग 450 किलोमीटर सफर और बाकी है। अच्छा, आपके साथ में कौन कौन है, कितने सदस्य? मेरे साथ एक एम्बुलेंस है और एक कार है, दोनों में ड्राइवर है, साथ में पैरामेडिकल स्टाफ है, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरा एक फ्रेंड है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। गाजीपुर में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए गाजीपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजीपुर शहर में निकाली गई श्री राम शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री राम शोभा यात्रा में लोगों के बीच आस्था, उत्साह और उल्लास का माहौल नजर आया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम भक्त अपने तरीके से श्री राम के दर्शन में लीन है। भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच गोरखपुर के गीता प्रेस से रामचरितमानस की प्रतियां खत्म हो गई हैं। देश भर के भक्तों ने रामचरितमानस की प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड कर दी है। भगवान राम की आस्था में पूरा देश रंगा है, पूरा देश राममय होने लगा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी चौतरफा देखी जा रही है। अयोध्या में राम के आने की खुशी में दिवाली मनाई जा रही है, तो देश के अलग अलग इलाकों में हर कोई राम के जप में लगा हुआ है। इस बीच एक खबर आई कि गीता प्रेस में श्री रामचरितमानस की प्रतियां शॉर्ट हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, और इसीलिए जो भक्त हैं वो रामचरितमानस बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी अधिक डिमांड हो गई है कि रामचरितमानस की आपूर्ति गीता प्रेस कर ही नहीं पा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की डेट का ऐलान होते ही लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां धड़ल्ले से खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हर महीने 75,000 प्रतियां छापने वाली गीता प्रेस को 1,00,000 प्रतियों की डिमांड आने लगी। जब से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, तब से रामचरितमानस की मांग अचानक बढ़ गई। अब पिछले 3 महीने से इतनी हो गई कि हम 1,00,000 से अधिक प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी कम पड़ रही है। लोग इतना मांग रहे हैं बांटने वाले। 50,000 प्रतियों की मांग जयपुर से आई कि हमको रामचरितमानस मूल जो गुटका आकार में है 50,000 प्रतियां चाहिए, जिसको हम वितरित करेंगे। हम लोगों ने काफ़ी विनम्रता के साथ कि हम नहीं दे पा रहे हैं इस समय इस प्रतियों को, और दूसरी भागलपुर से 10,000 प्रतियां मांगी गई लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। जितनी पुस्तक हमारी तैयार हो रही है वो ब्रांचों पर तत्काल चली जा रही है, और ब्रांचों पर गाड़ी उतर रही है और सीधे सीधे लोग लेके चले जा रहे हैं। देश भर में जहां भी गीता प्रेस के स्टॉल्स हैं, वहां पर श्री रामचरितमानस की पुस्तक पहुंचते ही खत्म हो जा रही है। लोग 50,000,
20,000 पुस्तक एक साथ मंगवा रहे हैं और एक साथ इतनी प्रतियां मांगने पर लोगों को मना भी करना पड़ रहा है। और पुस्तकों की मांग हमारी और बढ़ जाएगी। अभी जब भीड़ चलेगी तो लोग मंदिर पर आएंगे दर्शन करने के लिए, सोचेंगे कि रामचरितमानस हम प्रसाद स्वरूप ले जाएं, तो पुस्तकों का दबाव हमारे पास और बढ़ जाएगा। वर्तमान जो हमारे पास स्थान है उसमें इससे अधिक हम पुस्तकें बना के दे नहीं पाएंगे। दरअसल 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में राम भक्त देश भर में उत्सव मना रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरितमानस में भगवान श्री राम का सजीव चित्रण है। ऐसे में इस किताब की डिमांड बढ़ना लाजिमी है, जिसे पूर्ति कर पाने में गीता प्रेस भी असमर्थ हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।